हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप कल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज हमने रेंज बाउंड के हिसाब से ट्रेडिंग की थी, तो हमने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं ली। हमने पहले इनिशियली कॉल सेलिंग की, फिर पुट सेलिंग की, और उसके बाद एक उम्मीद थी कि ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि US फ्यूचर्स बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो उसके हिसाब से हमने एग्रेसिवली ये कहा कि भाई अब यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड कुछ लेना सही नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में अनवाइंडिंग हो सकती है, मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में आपने देखा कि US फ्यूचर पॉजिटिव है, तो मोस्टली US फ्यूचर अगर बहुत एग्रेसिवली रेड है या बहुत एग्रेसिवली ग्रीन है, तो लास्ट के आधे एक घंटे में बहुत तेज़ी से हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। ये हमेशा का रहा है, और आज बहुत ग्रीन था, काफ़ी बड़ा गैप अप दिखा रहा था कि हो सकता है, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ गए। मोस्ट प्रॉब्ली ये रीज़न है। आज रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया, जो एक सरप्राइज़ था, क्योंकि कोई ऐसा कोई बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था। बहुत कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था, और हमने एक लेवल भी आपको बताया था कि अगर उसको तोड़ता है, आई थिंक 2187 का एरिया था आपका, जो एक सपोर्ट लाइन मैंने कल बनाई थी, तो उसको ब्रेक किया, तो उसके बाद 2153। तो ऑलरेडी हम सपोर्ट के पास नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब अगर आप सपोर्ट बोलो तो सपोर्ट यहाँ से और 40 पॉइंट नीचे है रिलायंस के लिए। तो रिलायंस में थोड़ा सा रिस्क है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ा एक कंजेशन जोन और बहुत लंबा कंसोलिडेशन जो है उसको ब्रेक किया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर कोई बाउंस आता है, तो फिलहाल थोड़ा सा इसमें और डिप आ सकती है, 40 पॉइंट से 50 पॉइंट तक डिप आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो अभी डाउ जोन्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30,050 अप्रॉक्सीमेटली करंटली लेवल चल रहे हैं, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट जो सप्लाई जोन है वो है आपका 34,100। तो यहाँ पे क्लोजिंग से पहले अगर US फ्यूचर में डाउ जोन्स वहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है, जो कि सप्लाई जोन है, आप देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको हमने तोड़ा, तो ब्रेकआउट हुआ था, और उसके नीचे आने पे अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो 34,100-150 के एरिया में है ये, और अगर इसके ऊपर हम नहीं जा पाते हैं तो दिक्कत है। अगर इसके ऊपर हम निकल जाते हैं तो फिर एक रैली स्टार्ट हो सकती है, जो हमको ले जा सकती है 34,550, मतलब यहाँ से करीब करीब आप 500-600 पॉइंट की रैली देख सकते हो, अगर हम 34,150 के ऊपर निकलते हैं। तो ये करंटली सेटअप है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अपसाइड है या बहुत बड़ा डाउनसाइड है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे एक बड़े ब्रेकडाउन के बाद, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी, उसके बाद एक बाउंस आया। उस बाउंस में हम देख रहे हैं कि कौन से लेवल तक ये जा सकता है। क्या ये बाउंस एक सिर्फ करेक्टिव बाउंस था, हम नया हाई बनाएंगे, इसका डिसीजन हो जाएगा अगर हम 34,150 के ऊपर जाते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में investing.com में आप जाके डाउ जोन्स का फ्यूचर्स देख सकते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारा रुपी है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं हो रहा है, अभी भी कमज़ोर है, और रुपी के कमज़ोर होने से IT को फ़ायदा है, इन्फोसिस के बाईबैक से IT को फ़ायदा है। IT स्टॉक्स जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पार्टी चल रही है। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि क्या ये IT में हमने मिस कर दी है रैली। आपने रैली कहीं मिस नहीं की है, सिंपल सी चीज़ है। आपने 500 या 600 में नहीं खरीदा है, आपने अगर 1200-1300 में खरीदा है तो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन आ रहा है। अगर आपने अभी खरीदा है तो मोस्ट प्रॉबली आप यूफोरिया में हैं, और यूफोरिया में खरीदे हुआ आदमी कभी भी पैसा लॉन्ग टर्म में बनाता नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बुक कर सकते हैं। 1700 का प्राइस दिया गया है इन्फोसिस में, लेकिन इन्फोसिस के अलावा जो बाकी स्टॉक्स भाग रहे हैं, जिस तरीके से भाग रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये रैली सस्टेनेबल है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट आप देख लीजिए, कितने भी कौन से टाइम फ्रेम देख लीजिए, यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू है, और करेक्शन अब जैसे जैसे ये रैली बढ़ती जा रही है, वो करेक्शन भी उतना ही बड़ा आएगा, 20%, 25%। तो IT में थोड़ी सजग रहने का टाइम है, बाकी तो टेक्निकल फंडामेंटल लोग दुनिया भर की बातें करते रहते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके अगेंस्ट जिस दिन काम कर गया तो आप बोलोगे यार मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ यूफोरिक है, मतलब जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती है नॉर्मली, वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती है, और ये देर सवेर आपको पता चलता है। तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, कोई और आपके लिए उसको नहीं लेगा। तो जो लॉन्ग टर्म वाले लोग IT में हैं, वो धीरे धीरे, जैसे जितना अच्छा दे रहा है उतना अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे रिस्क बढ़ रहा है इसका। अब हम US फ्यूचर देखेंगे तो करंटली काफ़ी ग्रीन है, नैसडैक और डाउ जोन्स दोनों ऑलमोस्ट 1-1% ऊपर हैं, S&P 0.6% ऊपर है। तो ये करंटली आप जो मैंने आपको एक सप्लाई जोन बताया है डाउ जोन्स का, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउ जोन्स ही सबसे पहले बाउंस दिया था। लेकिन नैसडैक रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, S&P भी रिकॉर्ड हाई के पास चल रहा है। तो अब अगली बार अगर मूवमेंट आता है नीचे की तरफ और तीनों साथ में आते हैं,
तो ही इसका सेंस बनेगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी है जब भी मार्केट गिरता है तीनों साथ में नहीं गिर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी नजर रखिएगा यूएस में किस तरीके से ये चीज़ होती है। अब उसके अलावा अगर हम इंडियन मार्केट बात करें, रिलायंस मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी राइट नाउ सपोर्ट आपका 15,680 पे आ चुका है, स्ट्रांग सपोर्ट है, होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं होल्ड करता है तो आप फिर 15,500 से लेके 450 जा सकते हो। तो 680 एक अच्छा सपोर्ट बन के निकल आ रहा है राइट नाउ। अब यहाँ से अपसाइड अगर आया तो कितना आ सकता है, तो करंटली अपसाइड एक खुल चुका है जिसकी पॉसिबिलिटी कल आपको दिख जाएगी, लेकिन बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करेगा तभी पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी को एक अलग से बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है कि 940 तक के लेवल खुल गए हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने ट्रेंड लाइन लास्ट टाइम बनाई थी उसके हिसाब से। तो अगर हम 15,840 को ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ तो 940 की तरफ हम जा सकते हैं, और उस केस में यूएस फ्यूचर भी पॉजिटिव, यूएस मार्केट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल के समय कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बता रहा है, कंसोलिडेशन में है, और इसकी जो रेंज है मैं आपको बता दूं 35,100 से लेके लोअर साइड में 34,400 के आसपास है, जो करंट इमीडिएटली आपका सपोर्ट है। किधर भी ये टूटा तो आपका वो डिसाइसिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन और कंसोलिडेट ये कर सकता है, तो कल शायद मार्केट कोई डिसाइसिव मूव शायद ना दे और अपसाइड आपका ब्रेकआउट जो है, आप कहें कि यार बैंक निफ्टी अब तो 37,000 जाएगा, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं उसका, तो 35,000 35,200 के ऊपर ही वो ट्रेंड स्टार्ट होगा। अगर आप डाउन साइड की बात करें कि यार ये 32,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम 34,000 को डिसाइसिवली नहीं तोड़ेंगे। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं टूटेंगे ऑप्शन सेलिंग में लोग पैसे कमाएंगे, और मतलब ऑप्शन सेलिंग में बनाएंगे, ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हैं वो गवाएंगे, और लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो ब्रेकआउट होगा होगा, हो जाने दीजिए, मेरे हिसाब से हो जाने दीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिए, आप मत प्रियम्प्ट करिए कि हो जाएगा। जैसे आज हमने बिल्कुल सेफ खेला, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, अपसाइड में जो मूव आया वो भी पता था, एक समझ में आ रहा था, इसलिए हमने कॉल सेलिंग एग्जिट कर दी थी, पुट सेलिंग आप कैरी कर सकते थे, वो ऑलरेडी डिगे हो चुका था। मतलब कहने की बात ये है कि आप अभी फिलहाल एक छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करिए, अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप देखिए जहां भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको कहीं तो बुक करना पड़ेगा, तो आप सोचिए कहां बुक करना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये रैली जिस तरीके से हम जा रहे हैं ये कंटिन्यू रहने वाली है, तो होल्ड करिए, आपके लगने और ना लगने पे आपका डिसीजन है, बस ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एक और चीज़ है, HDFC का जो स्टॉक है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, ये भी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, और HDFC का अभी जो एक डिसाइसिव जोन है वो 2520 है, 2520 के ऊपर गया तभी ये पॉजिटिव मुझे लगता है देगा मूव। अगर ये आपका 2450 के नीचे गया तो पूरा का पूरा ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो बहुत ये भी पूरा एक आपका मेक और ब्रेक लेवल है, तो उसको थोड़ा सा वॉच करिए क्या ये ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है। उसके अलावा ITC कोई खबर नहीं है इनकी, ये सो रहे हैं भाई साहब। और उसके अलावा SBI की बात करूंगा मैं, तो SBI की जो ट्रेंड लाइन मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, अगर आप देखेंगे तो 419-423 के बीच में ये एरिया है, और इस एरिया पे ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, कोशिश करने की मतलब कोशिश है, पूरी कोशिश तैयार है कि हाँ यार एक मौका मिले मैं ऊपर जाऊं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर 427 का एरिया तोड़ेगा तभी SBI बुलिश होगा। तो 427 के ऊपर अगर निकल जाए तो आप 435 438 के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, फिलहाल के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए ब्रेकआउट का, और आपका ये लेवल क्योंकि ये लगातार इसको रेजिस्टेंस की तरह होल्ड कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, तो ये थोड़ा सा खतरा भी बढ़ाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। जब तक आपको 414 के लेवल, 414 क्योंकि अभी हम सपोर्ट के पास आ रहे हैं, 414 जब तक नीचे की तरफ ना तोड़े तब तक ये ब्रेकडाउन नहीं है, और 414 अगर टूटा तो हम 403 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये SBI के लिए था। उसके लिए उसके बाद एक और स्टॉक है जो बहुत सारे लोग को पसंद है, टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स राइट नाउ सपोर्ट पे है, जिस तरीके से धीरे धीरे ये सपोर्ट के पास आया है लग रहा है कि सेलर में दम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक झटका ऊपर की तरफ इसको मारना चाहिए एक आध दिन में। तो 330 के ऊपर जब तक है तो 330 आपका 330 329 स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप ऊपर का एक्सपेक्टेशन है, और यहां से एक बाउंस फिर से 345 347 की तरफ मार सकता है, लेकिन जिस दिन भी होगा आप देखेंगे टाटा मोटर बहुत बड़ा गेनर होगा, टॉप गेनर होगा, और 2 से 3% का मूव आएगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो हम सपोर्ट के पास हैं, जिस तरीके से प्यार से सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है, ये लग नहीं रहा कि ये तोड़ पाएंगे, सेलर्स में दम नहीं है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रेकआउट फिर से एक मारने को तैयार है। तो ये ओवरऑल कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था, बाकी और डिटेल में हम बात करेंगे कल अगर लाइव आने को मौका मिला। ओवरऑल अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो यूएस फ्यूचर ही बहुत डिसाइसिव या इनडिसाइसिव कह लो, जो भी कह लो, कभी नीचे ब्रेकडाउन देता है, बड़े कैंडल बनाता है, कभी ऊपर की तरफ चल देता है, तो कोई कुछ क्लियर नहीं है, और जब तक क्लियर नहीं है
तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब मार्केट है ऑल टाइम हाई पे है, तो हमेशा याद रखिए कि हर रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हर बाउंस के बाद 2% 1% के बाद लोग अपना प्रॉफिट साइड करेंगे, जो भी बड़े लोग हैं। क्योंकि अगर कोई बोले कि यार किसी के पास 1000 करोड़ है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आदमी को बाउंस चाहिए, अच्छी पॉजिटिविटी चाहिए अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए। वो गिरते हुए मार्केट में नहीं बेच पाएगा, सैलरी नहीं मिलेंगे उसको। तो सिंपल सी चीज़ है कि मतलब बायर ही नहीं मिलेंगे जब वो बेचने जाएगा मार्केट। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ सिंपल, कि अगर आपको बड़े आदमी को निकलना है तो उसको बुलिश मार्केट में निकलना है, बिल्कुल सबको पॉजिटिव करके, अच्छे खासे वॉल्यूम्स हों बुल साइड में, तभी वो निकलेगा। तो ये चीज़ आप नज़र रखिए। और यूएस मार्केट भी अगर आज, क्योंकि मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, 34,100 के पास है यूएस फ्यूचर, तो US 30 का, तो ये एरिया में सप्लाई आती है क्लोजिंग से पहले या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये सप्लाई आ जाती है तो फिर ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, और यहाँ से फिर आप तैयार हो जाओ कि अपना मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली हाई पे रहेगा या बाउंस पे आपको सेल करना है। मतलब बाउंस मिले, गैप अप मिले तो कॉल सेल करो, और पुट भी ले सकते हो क्योंकि अभी एक्सपायरी को 4-5 दिन रहेंगे। लेकिन हाँ, वेडनेसडे थर्सडे को आप ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश मत करो, आपने आज भी देखा होगा बहुत डिके हुआ है। तो फिलहाल के लिए कम पैसे कमा लो, लेकिन गंवाने वाली ट्रेड्स मत करो, यही मेरी सलाह रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, आपको इंटीमेशन तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।